दुर्ग के सुराना कॉलेज में गीतांजलि संगीत महाविद्यालय कसारीडी के द्वारा परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें कि लगभग 193 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। भरतनाट्यम, तबला, शास्त्रीय गायन, कथक नृत्य जैसी कलाओं को लेकर छात्र छात्राओं में खासा रुझान देखने को मिल रहा है, जिसके कारण इस परीक्षा में बढ़ चढ़ कर छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। परीक्षा के आयोजन में समिति के अध्यक्ष रत्ना नारामदेव विशेष रूप से उपस्थित रही। उन्होंने जानकारी देते हुए पूरब टाइम्स को कुछ इस तरह से बताया। देखिए, ये विगत कई वर्षों से हमारे संगीत विद्यालय चल रही है, उसमें आज बच्चों के एग्ज़ाम विगत पिछले संडे को, इस संडे को, दोनों संडे में बच्चों के प्रथमा से लेकर के विशारद तक के एग्ज़ाम है। कथक का है, भरतनाट्यम है, तबला है, बांसुरी, इस तरह के सब एग्ज़ाम हैं जो अभी आज लिखित में हो रहे हैं। कम से कम 30-35 बच्चों ने आज एग्ज़ाम दिए जो विशारद विद अंतिम के हैं और विद द्वितीय के हैं। और इसके पहले जो संडे को हुआ था उसमें मध्यमा अंतिम, मध्यमा प्रथम, इस तरह के एग्ज़ाम। तो इन लोगों के जो एग्ज़ाम होते हैं, हमारे खैरागढ़ से संबंधित हैं हम लोग, और खैरागढ़ के माध्यम से इन लोगों का रिजल्ट भी आता है। और ये हमारे यहाँ के 150-200 बच्चे एग्ज़ाम में हर साल बैठते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और छत्तीसगढ़ का ये बहुत माना हुआ गीतांजलि संगीत महाविद्यालय है, इसको हम लोग और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ बच्चे एडमिशन लें और संगीत में अपनी रुचि बढ़ाएं। कारण ये है कि बच्चे जितना संगीत सीखेंगे उनकी मानसिकता बहुत अच्छी रहेगी। बच्चों में एकाग्रता लाने के लिए संगीत बहुत ज़रूरी है हमारे भारतवर्ष में, क्योंकि यदि हम देखते हैं कि बच्चे यदि बीमार भी पड़ते हैं तो उनको संगीत में रुचि रहती है, तो खुद भी गुनगुनाते हैं। तो इसलिए आज लोगों में जागरूकता ही है संगीत के प्रति, और मैं लोगों से आह्वान करना चाहूँगी कि संगीत के माध्यम से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें।